लघु नाटिका हारियन हिम्मत। दिल्ली में हुए इस बम धमाके में अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है और घायलों की संख्या 90 को पार कर चुकी है। आज भी ये डर आंखों में बसता है, ब्लास्ट का वो शोर कानों में मचता है। आतंकियों ने उस दिन लोगों की जिंदगियों को ही नहीं छेड़ा था, उन्होंने जिंदा बचे लोगों के सपनों को भी उधेड़ा था। ये कहानी हम जैसों की है जिनका कोई वजूद नहीं है। ये कहानी हम जैसों की है जिनका अपना कोई रिश्ता मौजूद नहीं है। रिश्ते भरोसे चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है। समझे थे हाथों में है जमीन, मुट्ठी जो खोले बस खाक है। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता व स्वामी है। प्रणाम दीदी जी। हम गायत्री परिवार के लोग युग निर्माण के लिए आते हैं और आचार्य श्री के विचार घर घर तक पहुंचाते हैं। मतलब आप ये पढ़िए, शायद आपकी हलचल थम जाए, क्या पता आपको आपकी परेशानियों का हल मिल जाए। हारिए ना हिम्मत। कुछ कर नहीं सकती तो क्या हुआ, करा तो सकती हूँ, अपनी विद्या दूसरों तक पहुँचा तो सकती हूँ। धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहाँ वही मिलता है रब का रास्ता। तुम्हें डांस करना पसंद है? मुझसे सीखोगे? आप हमें कैसे सिखाएंगी, डांस कंपटीशन में कैसे जिताएंगी? विश्वास करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम्हें जीत के काबिल बनाऊंगी। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। दीदी हम जीत गए। दीदी आज हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस ट्रॉफी को आपके नाम करते हैं।
अब हमारा काम बोलेगा, जिंदगी के नए आयाम खोलेगा। हमारा मुकाम होगा शहर में प्रज्ञा स्वावलंबन संस्थान होगा, जहां ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा जिनका काम लोगों में उमंगे भरेगा। इन्हें किसी सहारे की फिर जरूरत ना होगी, जिंदगी पर जीने की अब शर्त ना होगी।